What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, हम लोग आ पहुंचे हैं हमारे डे 14 पे और हमारा पार्टनरशिप ऑलमोस्ट एंडिंग पे चल रहा है, राइट? आज मैं आपको बहुत ही शानदार चीज कराने वाला हूँ. आज मैं आपको सिखाऊंगा एक लोन अकाउंट बनाना, ठीक है? तो लोन अकाउंट बच्चों हमारे पास दो जगह आता है. एक तो रिटायरमेंट में आता है पार्टनर्स लोन के नाम से और एक डेथ में आता है आपके पास ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट के नाम से. तो दोनों में ही बेसिक्स सेम रहने वाले हैं. पार्टनर्स लोन बोले या एग्जीक्यूटर्स लोन बोले, आपको दोनों में ही सिमिलर तरीके से बनाना है. बट जो थोड़ा सा लिखने का तरीका है उसमें पार्टनर्स लोन लिखते हैं, इसमें एग्जीक्यूटर्स लोन लिखते हैं. तो आइए आज लोन अकाउंट के बेसिक सीखते हैं और फिर इसके बाद बस हमारे पास बच जाएंगे रिटायरमेंट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस. तो आज इसको खत्म करते हैं. डे 15th पे हमारा रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ हो जाएगा कंप्लीट. तो आइए जल्दी से हेडिंग डाल दो, जाके फटाफट कॉमेंट्स में जाके अटेंडेंस लगाओ. चलिए लेट्स बिगिन. चलो यार, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये हेडिंग डाल लो, ठीक है? रिटायरमेंट में क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स लोन. और डेथ में क्या बोला जाएगा? एग्जीक्यूटर्स लोन. दोनों एक ही बात है, राइट? अब सर ये बनेगा कैसे? इसको बनाने के लिए ना बच्चों एक छोटा सा फॉर्मेट सबसे पहले आप लिख लो, फॉर्मेट ऑफ लोन अकाउंट, जिसकी मदद से हम सारा का सारा काम कर पाएंगे. ओके, तो सर सबसे पहले डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर्स आएगा और फिर आपके पास अमाउंट आ जाएगा. ऐसे इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. अभी तक आपके पास यही एक ऐसा अकाउंट आ रहा है जिसके अंदर डेट की इंपॉर्टेंस है, राइट? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. सही है जी. अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, ये फॉर्मेट में आप लिखो कि आपको सबसे पहले जो भी फाइनल सेटलमेंट की अमाउंट बनती है, भैया जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका एक बैलेंस निकल के आएगा या जिसकी डेथ हुई है उसका एक बैलेंस निकल के आएगा, याद करो, कैपिटल अकाउंट में, वो इधर ट्रांसफर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लेके आओगे, जितना भी उसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है. ये क्या है? This is total outstanding amount. ये यहाँ पे आ जाता है, okay? इसके बाद बच्चों अब आपकी जो इस साल का इंटरेस्ट बनता है ईयर एंड पे, ठीक है? ईयर एंड पे आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, यहां पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट. ये क्या हुआ है? इंटरेस्ट ड्यू हो गया, यहां पे आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, सही है? और फिर आप इधर से ड्यू डेट पे, ड्यू डेट का मतलब जिस डेट पे पेमेंट करनी है टू बैंक, यहां से आप पेमेंट करोगे. पेमेंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहां से आप पेमेंट करोगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऐसे बन रहा था कि 6 लाख को 2 किस्तों में देना है या 3 किस्तों में देना है, तो यहां पे आपका सबसे पहले 6 लाख रुपए ब्रॉट डाउन होंगे, ठीक है? सपोज साल के शुरू में ही रिटायरमेंट हुआ था, 10% का ब्याज है, तो 6 लाख पे 10% कितना? 60,000 का ब्याज बन जाएगा, ओके? और आप पहली किस्त दोगे यहाँ पे 2 लाख प्लस ये ब्याज 60,000, तो आपकी पहली किस्त जाएगी 2,60,000 रुपए की, ये आपकी किस्त जाएगी. फिर यहीं पे आपके पास ईयर एंड पे ही बैलेंस बचेगा, जिसको आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस बच जाएगा 4 लाख रुपए. तो ये आपका पहला साल खत्म. दूसरे साल में आप इसको ब्रॉट डाउन करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे 4 लाख रुपए आ जाएंगे. अब फिर से 4 लाख पे ब्याज लगेगा, फिर पेमेंट होगा इधर से, फिर 2 लाख बचेंगे, 2 लाख पे ब्याज लगेगा, पेमेंट होगा. आप पहले जल्दी से ये फॉर्मेट नोट डाउन कर लो, इसी फॉर्मेट पे बेस सारे क्वेश्चन होते हैं. तो लोन अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इधर सबसे पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट ब्रॉट डाउन होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर यहां से पेमेंट होगा और ये बैलेंस निकलेगा. ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आपको लोन अकाउंट बनाने को आए. ठीक हो गया जी? परफेक्ट हो गया, डन सर. अब देखो लोन अकाउंट का सवाल कैसा आता है. देखो हमारे पास क्वेश्चन बनता है ऐसा, ABC 3 पार्टनर्स थे,
ए रिटायर हुआ 1 अप्रैल पे, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 80,000 इज ड्यू टू हिम, 80,000 उसको देने थे। तो ठीक है जी, 1 अप्रैल 2012 पे ए रिटायर हुआ, तो मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा एक, 1 अप्रैल 2012 पे ए रिटायर हुआ, कौन रिटायर हुआ, ए रिटायर हुआ, ए रिटायर हुआ और 80,000 रुपए उसका बैलेंस बनता था। ठीक है सर, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एग्रीड टू पे हिम दिस अमाउंट इज इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर एंड पे उसको इंस्टॉलमेंट्स देनी है। प्रिपेयर ए का लोन अकाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम, 4 किस्तें बनानी है बेटा और 10% के ब्याज के साथ हमें पे करना है। तो 4 किस्तें जो बनेंगी, सबसे पहला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2013, भाई एक साल तो यही होगा, फिर दूसरा साल 31 मार्च 2014, फिर तीसरा साल 31 मार्च 2015 और फिर लास्ट ईयर 31 मार्च 2016। देखो ये बनता है, 4 साल का काम कर दिया। अब 4 किस्तें, तो पहली किस्त 80,000 की, 4 किस्तें, तो पहली किस्त 20,000 की होगी, जब 80 में से 20 दे दिया तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 60 बचा, फिर अगली किस्त 20,000 रुपए की होगी, 60 में से 20 दे दिया तो आउटस्टैंडिंग 40 बचा, फिर अगली किस्त 20,000 रुपए की दे दी, 40 में से 20 दे दिया तो आउटस्टैंडिंग 20 बचा, फिर अगली किस्त 20,000 रुपए की दे दी तो आउटस्टैंडिंग बचा 0, आपका पूरा लोन चुका दिया आपने, है ना भाई, मुझे 80,000 देने थे, 80 में से जब यहाँ पे 20 दे दिए तो 60 बचा, 60 में से जब 20 दे दिए तो 40 बचा, 40 में से जब 20 दे दिए तो 20 बचा, 20 का 20 चुका दिया तो कुछ भी नहीं बचा। इस तरीके से देखो लोन अकाउंट चलता है, सही है। अब लिखा हुआ था 4 किस्तें प्लस 10% का ब्याज, इंटरेस्ट 20 के साथ, तो 80,000 का शुरू में ड्यू था, तो पूरे साल का 80,000 पे 10%, 8,000 तो यहाँ पे ब्याज जाएगा, तो यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो 28 का होगा, सही है। अब 80 में से 20 दे दिया तो 60 पे लगेगा बेटा इंटरेस्ट, 80 में तुम इंटरेस्ट क्यों दोगे, 20 तो तुम पे कर चुके हो, तो 60 पे 10% 6,000, ये हो गया 26, ठीक है। उसके बाद 40 पे 4,000, ये हो गया 24, उसके बाद बच्चों लास्ट में 20 पे 2,000, ये आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी, समझे। तो तुमने ये टेबल अगर तैयार कर ली ना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बस इसी टेबल की मदद से एक लोन अकाउंट बना दूंगा, देखो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और इधर भी डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बच्चों बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, 2012 अप्रैल 1 बाय ए का कैपिटल अकाउंट, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, 80,000 रुपये, शुरू में यही पैसा देना था 80,000 रुपीज। तो मैंने सर ये वाला काम कर दिया, देखो मैंने सर ये काम कर दिया, ये हो गया मेरा, ठीक है जी। अब यहाँ से चलो 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 मितवा, यहाँ पे रुक गए सर, क्यों रुक गए, ईयर एंड हो गया सर, ईयर एंड हो गया, 31 मार्च 2013 पहली किस्त देनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2013 मार्च 31 सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो देना है ना बेटा लोन के साथ साथ, सिर्फ लोन थोड़ी ना देना है। तो सर 80,000 का 10%, 8,000 रुपए का इंटरेस्ट बना था, इधर ड्यू कितना हो गया, टोटल हो गया इधर का 88, राइट। पे करूंगा डेबिट साइड से, डेबिट साइड से पे करूंगा, तो 2013 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। अब पहली किस्त कितने की थी बच्चों, 20,000 की किस्त थी, 8,000 का ब्याज है, 28,000 रुपीज पे करेंगे, तो आपके पास जो बैलेंस निकल के आएगा 88 माइनस 28 अपने आप 60,000 ही निकल के आएगा। देखो कि भैया पहली किस्त दे दी तो 60,000 का ही बैलेंस निकल के आया, राइट। अगले साल इसको ब्रॉड डाउन कर लो, 2013 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000,
अब आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये है तो ब्याज 20 पे लगेगा, है ना, 60,000 पे 2014 में मार्च 31 पे बाय इंटरेस्ट 60,000 पे बना 6,000, इधर आया 66, यहां से आप पे करोगे 2014 मार्च 31st टू बैंक अकाउंट 20+6, इस बार 6,000 का ब्याज है तो 26,000। जैसे जैसे बच्चों आप लोन चुकाते रहते हो ना, वैसे वैसे किस्त कम होती रहती है। किस्त कम कैसी होती है सर, देखो कम हो रही है ना, पहले 8,000 का ब्याज था, अब 6 का है क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी तो कम बचा था ना, राइट। तो अब आप बैलेंस निकालोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 66 माइनस 26 विल बी 40,000। अब इसको फिर से ब्रॉट डाउन कर लो, 2014 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब आपका आउटस्टैंडिंग ये है बच्चों, एक ईयर एंड होगा फिर से 2015 मार्च 31st बाय इंटरेस्ट अकाउंट 40,000 पे 4,000 रुपये, ये हो गया 44। और इधर आप पे कितना करोगे, टू बैंक अकाउंट 20+4 24,000 आप पे कर दोगे क्योंकि 4,000 का इंटरेस्ट था इस बार 2015 मार्च 31। और ईयर एंड पे ही बैलेंस निकलता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000 रुपये का बच्चों बैलेंस आ जाएगा। ये 44 में से 24 माइनस करा तो 20 ही बचता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 20,000। अब आप यहाँ पे लिखोगे 2016 मार्च 31st बाय इंटरेस्ट 20,000 पे 10%, 2,000 का बच्चों इंटरेस्ट है 22। और अब आप इसको कर दोगे पे, यहां से 22 ही आपको पे करना है लास्ट इंस्टॉलमेंट 2016 मार्च 31st। देखो बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं, 22 बचा था, 22 आपने पे कर दिया, दैट इज इट। तो एक तो लोन अकाउंट बच्चों ऐसा होता है, देखो मैंने ये लोन अकाउंट पूरा का पूरा रेडी कर दिया, सही है। एक लोन अकाउंट ऐसा होता है कि आपको प्रिंसिपल देना है प्लस इंटरेस्ट, 80,000 की 4 किस्तें बनाओ और 31 मार्च 16 पे ये खत्म होगा प्लस इंटरेस्ट। तो एक तो लोन अकाउंट होता है ऐसा। अब एक और होता है, ये मैंने तुम्हें सिखा दिया, एक केस और होता है बच्चों, देखो सर उसमें क्या है, देखो इसमें है ए का वही ड्यू अमाउंट है 80,000 रुपए। आओ जरा इसमें टेबल कुछ अलग तरीके से बनेगी। फर्स्ट अप्रैल 12 में ही ए का वही अमाउंट है 80,000 रुपए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसने बोला 3 installments of 25,000, इसने बोला 3 किस्त बनेगी 25,000 की। सर पिछली बार तो 20,000 की किस्त बनी थी प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलग से बना था। यहां पे ध्यान देना, 3 किस्त बनेंगी 25,000 रुपए की विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट, जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट है, और बाकी जो बैलेंस है वो चौथे साल में दोगे। चलो जी सर ये थोड़ा डिफरेंट है क्या, हाँ जी देखो, सबसे पहला ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 13, फिर कब होगा 31 मार्च 14, फिर कब होगा 31 मार्च 15, फिर कब होगा 31 मार्च 16, ठीक है बेटा जी। अब इसने बोला सर इस बार 3 किस्तें बनेंगी 25,000 रुपए की, जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये 25 25 25 में इंटरेस्ट ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है, इसमें से अलग अलग करना पड़ेगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट, राइट। तो देखो 80,000 रुपए का था, पूरे साल का ब्याज इस पे 80,000 पे 10% कितना बैठेगा, 8,000 का ब्याज बैठेगा। तो अगर 8,000 का ब्याज है तो 25 में से 8 हटाऊं तो 17,000 का प्रिंसिपल हुआ, 17,000 का प्रिंसिपल हुआ या नहीं हुआ, है ना। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में,
क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें मतलब क्या है। अब देखो 80 में से 17 यहां पे हो गया, तो यहां पे 63 आउटस्टैंडिंग बचा, क्योंकि ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि बताओ सेकंड ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है ना। लोन अकाउंट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। 63,000 पे अब 10% 6,300 का इंटरेस्ट होगा। सर अगर 63 इंटरेस्ट है तो 25,000 में से 63 हटा दो, 25,000 माइनस 6,300 18,700 का प्रिंसिपल है, सही है। अब देखो 63 में से 18,700 आपने पे कर दिया, ये आपने पे कर दिया, ये तो ब्याज था। 63,000 में से 18,700 हमने पे कर दिया, तो 44,300 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बचा, तो 44,300 पे 4,430 का इंटरेस्ट है, राइट। तो 25,000 में से अगर 4,430 का इंटरेस्ट है तो 20,570 की किस्त है। 44,300 में से 20,570 चुका दिए तो बचे कितने, 23,730 ये आप यहाँ पे करोगे, 23,730 प्लस 2,373 का इंटरेस्ट, ऐसे चलेगा ये देखो, राइट। ये आप लास्ट में पे कर दोगे जो आपका आउटस्टैंडिंग बचा। मेरे पास शुरू में 80 आउटस्टैंडिंग था, 80 पे 10% 8,000 का इंटरेस्ट हो गया, और ये मैंने निकाला 25 में से माइनस करके कि 25 में अगर 8 का इंटरेस्ट है तो ये प्रिंसिपल था। 80 में से 17 दे दिया तो ये आउटस्टैंडिंग बचा, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस पे लगा ये, तो बाकी 25 में से ये माइनस किया तो ये प्रिंसिपल निकल के आया, राइट। 63 में से ये दे दिया तो ये आउटस्टैंडिंग बचा, इस पे ब्याज लगेगा। 25,000 में अगर ये ब्याज है तो इसमें से ये माइनस किया, ये बचा। 44,300 में से ये हटाया तो ये बच गया, अब वो लास्ट में आपको पे करना है, समझे। ये थोड़ा ध्यान से करने वाला काम है। अब ये टेबल देख के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस टेबल से मत घबराना। देखो मैं क्या करने वाला हूं, कई बच्चे ये टेबल देख के डर जाते हैं कि सर ओहो ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। नहीं यार, कुछ मुश्किल नहीं है भाई, तुम्हें डराया जाता है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी इज द की बेटा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं इतना करता हूँ फिर एग्जाम में जाके भूल जाता हूँ। बेटा तुझे और ज्यादा रिपीटिशन चाहिए। कॉन्फिडेंस किससे आता है, रिपीटिशन से। जब एक बच्चा साइकिल सीखता है ना पहली बार तो उसका मुंह लगता है नीचे जाके जमीन में, वो दोबारा सीखता है फिर गिरता है, फिर बैठता है फिर सीखता है, धीरे 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 वो इतनी ज्यादा बार चला लेता है, फिर एक हाथ छोड़ के चला रहा होता है, फिर दोनों हाथ छोड़ के चला रहा होता है, एक्सपर्ट हो जाता है। रिपीटिशन इज द की, एक ही चीज को बार बार करते जाओ तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, समझो यार। मैं तुम्हें हमेशा चीजें बोलता हूं, रिपीट करो जितना हो सके, रिपीट करो, एक सवाल को 2 बार 4 बार 10 बार जब तक ना आए करते रहो, अपने आप आ जाएगा भाई, और एग्जाम में भी हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं बिजनेस स्टडीज याद करनी है, इको याद करनी है, सिर्फ रिपीटिशन। चलो बताओ भैया, ए का कैपिटल अकाउंट कितना बना, 80,000 रुपीज यहां पे आया था, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, 80,000 ये आउटस्टैंडिंग था, इस पे इंटरेस्ट दो, 2013 मार्च 31st बाय इंटरेस्ट 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा बच्चों, तो ये हो गया 88, ये हो गया 88, ओके। अब आप यहां पे क्या करोगे, सिंपली 2013 मार्च 31st पे करोगे टू बैंक अकाउंट, सर मैं पे करूंगा 25, हाँ जी, क्योंकि 25 की किस्त थी ना जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट था, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, 25 पे कर दो। सर बैलेंस कितना बच के आएगा, करो माइनस, 88 में से 25 हटा दो, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 63,000 आ गया। देखो अपने आप निकल आया आपका आउटस्टैंडिंग, करो ब्रॉट डाउन, 2013 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 63,000। अब आपका ये आउटस्टैंडिंग है, इस पे इंटरेस्ट आएगा, 6,300 का इंटरेस्ट आ गया, तो यहाँ पे 2014 में मार्च 31st पे आपने लिखा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ये बच्चों आपका टोटल आ जाएगा। इस साइड का करो जरा टोटल फटाफट, 300 6 और 3 9 69,300
पे कितना करोगे, किस्त कितने की है? किस्त तो सर 25,000 रुपए की ही है, क्योंकि तीन किस्तें बोली थी 25,000 रुपए की, कर दो पे 25, कर दो बच्चों आप पे। अब सर इधर टोटल कितना था, 69,300 था, तो बताओ बैलेंस कितना आएगा, 69,300, 0, 0, 10 में से 3 गए 7, है ना, और जी 8 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, 44,700 देखो आपका बैलेंस बचता है आउटस्टैंडिंग। देखो मैंने ऊपर भी यही लिखा हुआ होगा, 44,700 ही लिखा हुआ होगा हमारे पास, ये देखो। अरे सर 44,300, अरे हाँ यार कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेंगी भैया, बढ़िया हो गया हमने देख लिया, 44,300, ठीक है जी, ये आ गया बच्चों देखो आपके पास, ओके वो ही निकल के आएगा, यहाँ पे ज्यादा टेंशन है ही नहीं, 25 की किस्त दो, बाकी अपने आप वही सेम अमाउंट निकल के आएगा। चलो भाई ब्रॉड डाउन कर लो, 2014 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया, 44,300। अब यहाँ पे 2015 मार्च 31 पे हम इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट कितना आएगा इस पे 4,430 का आपके पास इंटरेस्ट हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ, 0,3,4,3,7,4,4,8,7,3,0 और 2015 मार्च 31 आप पे कितना करोगे टू बैंक अकाउंट, 25,000 रुपए ही बच्चों आप लोग पे करोगे, तो 48730 में से 25,000 अगर आपने पे किया तो 23,730 बचता है, 23,730 टू बैलेंस कैरिड डाउन, 23,730 चेक कर लूँ सर एक बार फिर से, 23,730 बचा था ना, हाँ जी ये देखो 23,730 ये मेरे पास बचा था, 3 साल का काम हो गया, देख रहे हो कितना इजी हो रहा है अकाउंट के थ्रू, अकाउंट के थ्रू हमेशा चीज़ें इजी होती हैं। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रॉड डाउन करना है, कितना आया 23,730, 23,730 ये आ गया। उसके बाद अब आपको बस इंटरेस्ट लिखना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट हमारे पास आ जाएगा 2016 मार्च 31 पे 2,373 का बच्चों इंटरेस्ट होगा, तो जो आपकी लास्ट किस्त होगी 2016 मार्च 31 पे टू बैंक अकाउंट वो कैसे होगी, इसका सम कर दो बस, 3,7,3,10, 7,7 और 3,10, 0, 1 कैरी 8, 9, 10, 11, 1 इधर आ गया 6,26,103 रुपए की, 26,103 रुपए की बच्चों आपकी ये लास्ट किस्त हो जाएगी जो आपको पे करनी है, 26,103 रुपए की आपकी ये फाइनल किस्त बनती है, ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ लोन अकाउंट, एक होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट इंक्लूडिंग होता है जैसे यहाँ पे था, चल जाओ भैया चल जाओ इतनी देर मत लगाओ, यहाँ पे बच्चों जो किस्त थी उस पर साफ साफ लिखा था 25,000 की ही होगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी हर साल 25,000 की होगी, बस जो लास्ट ईयर में है वो तुम खुद निकाल लेना, बचा हुआ सारा पे कर देना, एक तरीका तो ये होता है। और एक होता है पीछे वाला जिसमें क्या होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है, जिसमें 20,000 की किस्त है प्लस इंटरेस्ट, तो उसमें क्या करा हमने, पहले में 20+8, फिर अगले में 20+6, फिर अगले में 20+4, फिर अगले में 20+2। तो देखो दो तरीके के सवाल हैं जो आपसे इसमें लोन अकाउंट में पूछ सकता है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को लोन अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन का भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लो, क्योंकि आज आपको ये खुद करके देखने हैं अब दो बार, है ना, ये वाला सवाल आपको खुद से अब करके देखना है, तभी मज़ा आएगा जब आप ये अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, और मैं तो बोलता हूँ 2-3 बार प्रैक्टिस करना। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को लोन अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया।
अब हमारे पास बचे हैं बस रिटायरमेंट के बड़े क्वेश्चंस और हम चलेंगे फिर कल डिसोल्यूशन की तरफ। कल तो नहीं, कल तो बड़े क्वेश्चंस ही होंगे, फिर हम नेक्स्ट डे पे चलेंगे डिसोल्यूशन की तरफ एंड देन हमारे पास बचेंगी दो और किताबें। फटाफट से अगले 5-6 दिन में उनको भी हम कर लेंगे। सर हो जाएंगी, देखते जाओ तुम किस तरीके से होती हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ करेंगे, जल्दी कोई नहीं है मेरे माइंड में, बहुत क्लैरिटी के साथ करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे, बस तुम देखना किस तरीके से। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। इसको आज अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।